प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संत रैदास के दोहे और उनका अर्थ कक्षा 9 में पाठ 2 है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोन ही मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रह दासा। अब हम इन पंक्तियों का अर्थ समझते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि रैदास जी ने अपने भक्ति भाव का वर्णन किया है। उनके अनुसार जिस तरह प्रकृति में बहुत सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं, ठीक उसी तरह भक्त एवं भगवान भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उन्होंने प्रथम पंक्ति में ही राम नाम का गुणगान किया है। रैदास के पद की इन पंक्तियों में वे बोल रहे हैं कि अगर एक बार राम नाम रटने की लत लग जाए तो फिर वह कभी छूट नहीं सकती है। उनके अनुसार भक्त एवं भगवान चंदन की लकड़ी एवं पानी की तरह होते हैं। जब चंदन की लकड़ी को पानी में डालकर छोड़ दिया जाता है तो उसकी सुगंध पानी में फैल जाती है। ठीक उसी प्रकार भगवान भी अपनी सुगंध भक्त के मन में छोड़ देते हैं, जिससे या जिसे सूंघकर भक्त सदा या हमेशा के लिए प्रभु भक्ति में ही लीन रहता है, प्रभु की भक्ति में ही खो जाता है। आगे वह कहते हैं, जब वर्षा होने वाली होती है और चारों तरफ आकाश में बादल घिर जाते हैं तो जंगल में उपस्थित मोर अपने पंख फैलाकर नाचे बिना नहीं रह सकता। ठीक उसी प्रकार एक भक्त राम नाम लिए बिना नहीं रह सकता है। रैदास जी कहते हैं, जैसे दीपक में बाती जलती रहती है, वैसे ही एक भक्त भी प्रभु की भक्ति में जलकर सदा प्रज्वलित होता रहता है। कवि के अनुसार अगर ईश्वर मोती है तो भक्त एक धागे के समान है जिसमें मोतियों को पिरोया जाता है, अर्थात दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। और इसीलिए कवि ने एक भक्त से भगवान के मिलन को सोने पे सुहागा कहा है। रैदास की पद के इन पंक्तियों में अपनी भक्ति का वर्णन करते हुए रैदास जी स्वयं को एक दास मानते हैं और प्रभु को स्वामी कहते हैं। तो प्यारे बच्चों एवं दोस्तों, अगर आपको इन पंक्तियों का अर्थ पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपको इसे लिखना है तो आप वीडियो को पॉज करके इसे लिख भी सकते हैं। दोस्तों धन्यवाद।